बसम भागेवाड़ी के मसीमनाड़ में ईवीएम मशीन को गांव वालों ने तोड़ दिया, पूरी तरह से ईवीएम मशीन को तबाह कर दिया और साथ में जो ईवीएम मशीन जिस कार में लाई गई थी उस कार को भी पलटी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव वाले जब इस कार में मौजूद ईवीएम मशीन को जब अधिकारियों ने बाहर निकाला तो गांव वालों ने पूछा कि ईवीएम मशीन क्यों लाए हैं और क्यों ले जा रहे हैं, यानी कि बूथ में ले जा रहे थे, तभी गांव वालों ने उनसे सवाल किया। तो गांव वालों का सवाल ना देने के कारण बताया जा रहा है कि गांव वाले इतना भड़क उठे और उस ईवीएम मशीन को तोड़कर चिकनाचूर कर दिया, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, और साथ में उस कार को भी गांव वालों ने पलट दिया। बताया जा रहा है कि इस बीच पुलिस और गांव वालों के बीच में भी काफी बहस हुई है। अच्छी खबर यह है कि जो ईवीएम मशीन लाई गई थी वो ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा थी। अगर किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से अगर बूथ में ईवीएम मशीन बंद होगी तो तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो उस ईवीएम मशीन को तोड़ दिया गया है और फिर अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह का इतना हंगामा होने के बावजूद भी किसी भी तरह का बूथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। गांव के लोग वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग का सिलसिला जारी है। सीला नहीं तो सीखा।